हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल अकेडमी एडुअल। आज हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। ये पेपर लिया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लिया था 11 फेब 2024 को, और इसमें ये जो पोस्ट है जिसके लिए पेपर लिया गया था वो थी साइंटिफिक असिस्टेंट, और केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन डाले थे इसमें टोटल 80 क्वेश्चन। और सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस चैनल पे मैं डिस्कस करूंगी, सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो आज हम पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसके अंदर क्या पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड बच्चे क्या होता है, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो लुईस एसिड क्या होता है, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और एक्सेप्ट करता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच एक्सेप्ट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर हम चार इन ऑप्शंस में देखें तो इनके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है, हमारा जो आंसर है करेक्ट, वो है सी। इसके अंदर जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, जो सेंट्रल है हमारा एल्युमिनियम, ओके, इसके पास क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसलिए ये आसानी से एक्ट करता है एज लुईस एसिड। तो सी ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसके अंदर क्या पूछा है, लेड नाइट्रेट इज डीकम्पोज टू प्रोड्यूस लिथार्स लेड ऑक्साइड, दैट इज लेड ऑक्साइड। ओके, तो लेड नाइट्रेट क्या करता है, डीकम्पोज करता है लेड ऑक्साइड में, और प्योरिटी दे रखी है, कितनी प्योरिटी है लेड नाइट्रेट की जिससे लेड ऑक्साइड बनता है, 50%। और हमने देखना है कि लेड नाइट्रेट कितना चाहिए अगर हमने लेड ऑक्साइड बनाना है दिस अमाउंट। ओके, तो इफ प्योरिटी ऑफ लेड नाइट्रेट इज 50%, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लेड नाइट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड। तो हमें लेड नाइट्रेट है जो हमारा रिएक्टेंट वो भी दे रखा है, जो प्रोडक्ट है उसका, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट दोनों का ही दे रखा है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, जो ये अगर आप ऐसे ही प्रेपरेशन करते हो, ये जो अब एग्जाम लेता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए लेता है, ओके, या साइंटिफिक इंजीनियर की पोस्ट है उसमें केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे जब वो पेपर लेता है तो क्या फोकस कर रहा है, मेनली न्यूमेरिकल जो आते हैं वो आते हैं। हमारा अगर +1 का ही आप बुक ओपन कर लेते हो एनसीईआरटी, उसका फर्स्ट चैप्टर है ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें जो मास मास रिलेशन है, मास वॉल्यूम रिलेशन है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है, इन रिलेशन के जो भी न्यूमेरिकल्स है एज इट इज जो बुक के अंदर पड़े हुए हैं वही आप कर सकते हो, वो एज इट इज ही डाल देता है इसमें से। तो ये क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से आ रखा है, +1 के फर्स्ट चैप्टर से ही आ रखा है ये वाला, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, उसमें से ये न्यूमेरिकल है, तो वहां से आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करके आओ। तो ये वाला क्वेश्चन मास मास रिलेशनशिप के बेस्ड के ऊपर इसने न्यूमेरिकल डाला हुआ ये वाला। तो इसमें क्या हमें बताना है कि जो लेड नाइट्रेट है वो कितना चाहिए होगा, अगर लेड नाइट्रेट जो यूज हो रहा है उसकी प्योरिटी है 50%, तो हमने बना 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 क्या है उसमें से लेड ऑक्साइड की दिस ये वाली अमाउंट बनती है। तो ऐसा जब क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले देखो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, अगर हम बैलेंस रिएक्शन पता है तो तभी हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आता है तो तभी ही न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ओके, तो देखो इसमें क्या है, अगर लेड नाइट्रेट है जो अगर वो डीकम्पोज करता है तो ये वाली रिएक्शन है उसकी। ओके, इससे क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, और ये हमारे साइड प्रोडक्ट। ओके, और ये बनता है हमारा लेड ऑक्साइड। अगर हमें लेड ऑक्साइड का सबसे पहले देखना है कि कितने कितना मोल चाहिए है लेड ऑक्साइड बनाने के लिए लेड नाइट्रेट का, तो अगर आप देखोगे रिएक्शन जो हमने बैलेंस करी है, 2 मोल अगर लेड नाइट्रेट के चाहिए, 2 मोल लेड ऑक्साइड बनाने के लिए, तो इट मीन इक्वल मोल ही रिएक्ट करते हैं। अगर 1 मोल चाहिए है लेड नाइट्रेट का, उससे 1 मोल ही बनेगा लेड ऑक्साइड का। तो हम मान के चल सकते हैं कि 2 मोल है, अगर आप बात करते हैं 2 मोल है जो लेड नाइट्रेट के, ओके, तो उससे क्या बनता है, हमारे पास 2 मोल ही बनते हैं लेड ऑक्साइड के। इट मीन 1 मोल है जो लेड नाइट्रेट का, उससे बनेगा 1 मोल लेड ऑक्साइड का। क्लियर सी बात है ना ये वाली। अगर हम ये तो पता चल गया, अब उन्होंने क्या दे रखा है, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, लेड ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 223 19 ग्राम, और लेड नाइट्रेट का कितना दे रखा है,
331.2 ग्राम, क्लियर, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, लेड ऑक्साइड है जो हमारा, ये तो हमने रिएक्शन के हिसाब से स्टार्ट कर लिया क्योंकि इतने मोल चाहिए, इतने लेड ऑक्साइड बनता है। अगर हम निकालें जो हमारे पास वेट दे रखा है, कितना वेट दे रखा है हमने, लेड ऑक्साइड कितना बनाना है, दिस मास, ओके, ये वाला मास बता रखा है। तो इस मास के अकॉर्डिंग हम लेड ऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और उस हिसाब से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम इससे देखें तो लेड ऑक्साइड के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए हैं, अगर ये वाली अमाउंट बनानी है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। तो मास कितना दे रखा है इन्होंने, ये वाला, ओके, 1075.95 ग्राम, और मोलर मास कितना दे रखा है इसका, लेड ऑक्साइड का, 223.1। कैलकुलेट करते हैं इससे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाते हैं, 4.82 मोल्स। तो इट मीन 4.82 मोल बनते हैं लेड नाइट्रेट से, ओके। और हमने क्या देखा है रिएक्शन से कि लेड ऑक्साइड इक्वल मोल में बनता है जितने मोल लिए जाते हैं लेड नाइट्रेट के। तो इट मीन ये है कि अगर 4.8 मोल लेड ऑक्साइड बन रहा है तो जो लिया भी जाएगा वो कितने मोल लिया जाएगा, लेड नाइट्रेट, 4.82 मोल। तो 4.82 मोल जो है हमारे पास लेड नाइट्रेट रहेगा, क्लियर। तो अब इस नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए लेड नाइट्रेट के भी उतने ही होंगे जितने लेड ऑक्साइड के हैं, जो कि हमने निकाले हैं 4.82 मोल। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, लेड नाइट्रेट का मास निकाल लेंगे, वही तो हमने जानना था लेड नाइट्रेट का कितना मास है। तो कितना मास है, तो इसका मोलर मास हमें दे रखा है, वही नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास ओवर मोलर मास। मास हमें नहीं पता, मोलर मास कितना दे रखा है, 331.2। तो यहाँ से आप मास कैलकुलेट कर लेना, मास जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 1596.38 ग्राम। और अगर आप देखोगे तो उसने एक ऑप्शन ये भी दे रखा है इसके नियर, बट हमारा सी ऑप्शन है जो इसमें करेक्ट आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि अब एक स्टेटमेंट इसके तरफ भी ध्यान दो, उसने क्या दे रखा है, इसकी जो प्योरिटी है लेड नाइट्रेट की वो 50% प्योरिटी ही है। इट मीन लेड नाइट्रेट 100% प्योर नहीं है, अगर वो 100% प्योर होता तो हम यही वाला ऑप्शन है जो इसको टिक करते, ये हमारा करेक्ट रहता। बट उसने बताया कि प्योरिटी है जो लेड नाइट्रेट की वो 50% है। इट मीन अगर इसने रिएक्ट करके ये वाली अमाउंट लेड ऑक्साइड की देनी है तो हम, ये तो 50% प्योरिटी का है, तो हमें अगर इसको 100% लेना है तो इसका डबल लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसका डबल लेते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसकी प्योरिटी क्या दे रखी है, अगर आप ऐसे देखो तो 50% प्योरिटी ही है इसकी। तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको, परसेंटेज को आप चेंज कर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100। तो अल्टीमेटली क्या है, इसका डबल हो जाएगा जो अमाउंट हमें यूज करनी पड़ेगी रिएक्शन में, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, ये वाली अमाउंट बनाने के लिए लेड ऑक्साइड की। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आती है अमाउंट लेड नाइट्रेट की जो यूज होगी वो होगी 3192.76 ग्राम, ओके। और इसके नियर जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें आपने प्योरिटी का ध्यान से देखना है कि उस हिसाब से हमने आंसर टिक करना है, ओके। तो ये एक ऑप्शन, ये है जो न्यूमेरिकल मास मास रिलेशनशिप के बेस पे डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ HF इज दिस, बॉन्ड लेंथ दे रखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की ही दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट का रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड लेंथ के साथ। डाइपोल मोमेंट को आप म्यू से डिनोट करते हो, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो डी क्या है हमारे पास, बॉन्ड लेंथ, और क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और हमने क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा, 4 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 2.20, यही है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है, 0.92। बस इतना सा था, आपने बस इसको सॉल्व करना है और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.656, जो के नियर है 1.612 के। तो हमारा बी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक,
चार ऑप्शंस दे रखे हैं। सीधा देखो इसके अंदर ये बी ऑप्शन के अंदर सिंपल फिनोल दे रखी है और बाकी केसेस के अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है। इस केस में फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, इसमें इन्होंने ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थोक्रिसोल, इसमें क्या लगा देते हैं ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, और इसमें क्या लगा दिया जाता है मेटा पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। क्लियर, ये मेटाक्रिसो। तो हमें क्या पूछा गया, मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक क्या होता है, जिससे हाइड्रोजन एच पॉजिटिव जो है हमारा प्रोटॉन जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो आसान सी बात है, देखो इसमें तो फिनोल के अंदर तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है। ओके, तो ये हमारा आंसर तो हो नहीं सकता। अब इन तीनों के ऑप्शन देखते हैं हम, ए सी एंड डी के अंदर। तो सी एंड डी दोनों में कौन सा ग्रुप लगा रखा है, मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है प्लस आई के थ्रू। तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से रिलीज करता है तो एच पॉजिटिव का रिलीज होना इधर से डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्थोक्रिसोल एंड मेटाक्रिसोल की एसिडिटी होती है कम। और अगर हम नाइट्रो ग्रुप की बात करें ए ऑप्शन में, वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है जल्दी से। तो यहाँ से हमारे पास जल्दी अनायन क्रिएट हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है एच पॉजिटिव इजिली। तो सबसे ज्यादा अगर एसिडिक देखें इन चारों में से तो वो है हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ए ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके अंदर क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, मेटालिक कंडक्टिविटी। तो अब देखो बच्चे, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस तो कम होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है उसकी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती है। तो वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके रखता है अपनी तरफ से, जिसकी वजह से हमें बाहर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एटम से, एटम को आयन में क्रिएट करने के लिए। ओके, जहां अगर हम कहें कि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने अगर उससे वैलेंस शेल से, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लेफ्ट से राइट अगर देखें तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं, वो हमें ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि साइज कम हो जाता है एटम का। ओके, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो वो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके रखता है। तो अगर उनमें से एटम से उस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। और उसने कौन सी चार प्रॉपर्टीज में पूछा था, जो इंक्रीज करती है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करती है। और बाकी अगर मेटैलिक कंडक्टिविटी की बात करें तो आपको पता ही है कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो हम पी ब्लॉक की ओर मूव करते जाते हैं, तो वो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल कंसिडर करते हैं उनको, तो उनकी मेटैलिक कंडक्टिविटी कम होती है, बाकी जो भी है वो कम होता है। अगर बी प्रॉपर्टी की बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो इंक्रीज करती है। तो बी ऑप्शन है इसमें, वो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। अब सिक्स में देखो, ये रिएक्शन दे रखी थी आपने, एक्स एंड वाई निकालना है, ये क्या होगा यही बताना। ओके, अगर बच्चों ने अगर आपने रिएक्शंस कर रखी हैं तो आपको यही से दिख जाएगा ये क्या दे रखा है बच्चे, अमाइड। अमाइड को किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, वो ब्रोमीन के साथ, और बेस डाल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप रिएक्शंस इजी ही, इतने डिफिकल्ट रिएक्शंस नहीं पूछता है, सिंपल रिएक्शंस ही पूछता है, जैसे अल्डोल परकिन रिएक्शन हो गई, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गई, गैब्रियल फथैलेमाइड रिएक्शन, तो यही रिएक्शंस पूछता है, इतने डिफिकल्ट नहीं पूछता है। ओके, तो आपने एक बार रिएक्शंस देखकर जानी है। तो इसमें देखो क्या है, अमाइड दे रखा है और ब्रोमीन दे रखा है और बेस दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे OH नेगेटिव अटैक करता है। तो अगर आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं तो आपको देख के पता चल जाएगा ये रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से क्या बनता है, अमाइड से अमाइन बनते हैं, प्राइमरी अमीन।
ओके तो यही है। और इसमें जो साइड प्रोडक्ट है हमारा वो एक होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर। और ये वाली रिएक्शन है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसके सारे स्टेप्स, इसका मैकेनिज्म और इसके डिफरेंट केस सॉल्व करवा रखे हैं। इस उसके लिए जो भी लिंक है उस वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहीं से ही चेक कर लेना। और इसमें सीधे ही बता देती हूँ कि अमाइड से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अमाइड, और जो साइड प्रोडक्ट एक निकलेगा वो क्या रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें अगर चार ऑप्शंस देखोगे तो इसमें भी हमारा अमाइन दे रखा है एक्स, और ये भी अमाइन दे रखा है, बट इसमें क्या दे रखा है, यूरिया। यूरिया नहीं बनता है, ये वाला ऑप्शन जो है डी इनकरेक्ट है, और ये वाला जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट है। तो बी है इसका करेक्ट आंसर 6th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिड। तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है बच्चे, कई बार नॉट, जब आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन को दो बार रीड किया करो, तो नॉट को स्किप कर जाते हैं। तो क्या पूछा हुआ है, इसमें से जो एसिड की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बतानी है जो नहीं है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, ये एसिड की प्रॉपर्टी है, ये करेक्ट प्रॉपर्टी है। ओके, ये एसिड की ही है, इसका सोल टेस्ट होता है और ये बेस के साथ रिएक्ट करके पता ही है सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो ये ए बी सी तीनों ही प्रॉपर्टीज एसिड की ही है और हमें वो बतानी है जो एसिड की नहीं है। तो ये क्या है, फोर्थ में, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो रेड को ब्लू करने वाला बेस होता है और ये बेस की प्रॉपर्टी है एसिड की नहीं है, तो इसमें जो नहीं है वो बतानी है, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। तो फिर से वही बात हो गई, सेम उसने दोबारा से एक और न्यूमेरिकल पूछ लिया मास मास रिलेशनशिप से, वही फर्स्ट चैप्टर से, और ये न्यूमेरिकल एज इट इज ही पूछा है उसने। अगर आप बुक्स भी ओपन करोगे तो आपको सेम ये वाला न्यूमेरिकल दिखेंगे रिएक्शंस के वहां पर बुक के अंदर, बस डिफरेंस क्या आएगा वहां, यहाँ पर अमाउंट चेंज कर देगा वो, और वो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। ओके, तो ये आपने छोड़ के नहीं जाने हैं। तो यही अब देखते हैं ये वाला, एक हम पहले सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड जो क्वेश्चन था वही एक, और एक ये वाला 8th सेम न्यूमेरिकल ही है। क्या बोला हुआ है, एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, कितनी ऑक्सीजन की अमाउंट क्वांटिटी चाहिए अगर कंप्लीटली कंज्यूम करना है अल्यूमिनियम को, और अल्यूमिनियम कितना लिया हो, 27 ग्राम। और ये वाला अगर क्वेश्चन करना है फिर से, आप वही बात आ जाती है कि अगर आप इसको फिर से सॉल्व करना है तो आपको बैलेंस्ड रिएक्शन पता होनी चाहिए, फिर ही आप कर सकते हो। तो इसमें देखो ये है अल्यूमिनियम से क्या बनता है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये है इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, तो आप जब वो चैप्टर रिवाइज करोगे फर्स्ट चैप्टर, तो उसके अंदर रिएक्शंस जो भी वहां पर रिएक्शंस दे रखी है सारी की सारी बैलेंस करनी आनी चाहिए आपको, वो अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि उनसे बाहर कहीं कुछ नहीं आता है। ओके, अगर आप साइंटिफिक सिस्टम का देखते हो पेपर, तो उससे बाहर नहीं पूछता है वो न्यूमेरिकल, इनके अंदर वही पूछ रहा है। तो इसमें देखो आपने क्या करना है, क्वांटिटी देखनी है ऑक्सीजन की कितनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ओके, और फिर जो अमाउंट दे रखी है एल्युमिनियम की उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं। सबसे पहले रिएक्शन का यूज करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट दे रखी है उसको यूज करना होता है सबसे पहले। हाँ, जैसे कि हमने सेकेंड न्यूमेरिकल में करा, तो यहाँ पर देखो 2 मोल है जो, वो किसके चाहिए, एल्युमिनियम के, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, क्लियर ये बात। और 1 मोल अगर हम एल्युमिनियम की बात करें वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये 2 नीचे आ जाएगा, 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बात क्लियर होगी कि 1 मोल अगर हम एल्युमिनियम की बात करें रिएक्शन के हिसाब से, बैलेंस्ड रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल है जो एल्युमिनियम का, वो 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्लियर सी बात है। बट अगर हम अब अमाउंट के हिसाब से देखें जो उन्होंने दे रखा है, कि अगर एल्युमिनियम स्टार्टिंग में वो 27 ग्राम लेते हैं, तो फिर देखना कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर आप ये अमाउंट यूज करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो यहाँ से एल्युमिनियम के, फिर से नंबर ऑफ मोल्स एल्युमिनियम के निकालो,
तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास ओवर मोलर मास। मास कितना दे रखा है 27, और अल्मीनियम का आपको मोलर मास पता होना चाहिए, फिर ही आप कर सकते हो। कितना होता है 26.9, और अगर आपको इसको फिर सॉल्व करोगे तो 1.00 समथिंग हो, तो हम कंसिडर कर लेते हैं 1 मोल ही आता है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम का। ओके, तो जो हमने निकाला रिएक्शन को यूज करके वो भी 1 मोल ही है, 1 मोल के लिए निकाल लिया। और अगर हम अमाउंट को देखें तो उससे भी नंबर ऑफ मोल्स हैं जो, वो कितने निकले 1 मोल। तो इट मीन जो 1 मोल एल्यूमिनियम का वो तो हमने पहले ही निकाल लिया है, वो कितने किसके इक्वल आता है, 3/4 मोल्स चाहिए उसको ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के लिए। तो अब देखो इसमें से अगर 1 मोल है जो ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का वो रिएक्ट करता है 3/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो अगर हम यहां से देख लो कि अब हमें क्लियर हो गया कि एक ही मोल यूज हो रहा है इस अमाउंट के हिसाब से भी, जो 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमें निकालनी है ऑक्सीजन की क्वांटिटी, तो हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही है, यहाँ से मास निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने हैं, 3/4। मास कितना है ऑक्सीजन का, वो हमने निकालना है, क्वांटिटी है जो। और मोलर मास कितना होता है इसका, 32। और यहाँ से अगर आप मास निकालोगे वो कितना आ जाएगा, 32 × 3/4, 8 × 3 = 24 ग्राम। तो 24 ग्राम जो है क्वांटिटी चाहिए ऑक्सीजन की रिएक्ट करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम के साथ। क्लियर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, स्लेटर्स रूल आर यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्लेटर्स रूल भी पढ़ के जाओ। ओके, ज्यादा वो डीपली पूछता ही नहीं है, स्लेटर रूल से आसान सा ही पूछा हुआ है, क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डी ऑप्शन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर्स रूल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलिकॉन इन टेट्रा मिथाइल सिलेन। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, टेट्रा मिथाइल सिलेन के अंदर सिलेन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई, सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है। तो सिलिकॉन क्या देख लो आप, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के कितनी होती है, 3s2 3p2, ग्राउंड स्टेट ये होती है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में कितने मिथाइल के कार्बन के साथ रिएक्ट करना है सिलिकॉन ने, 4 के साथ, तो हमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, और यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी 4 कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप के। ओके, तो ये क्या आ गई, एक एस इन्वॉल्व हो रहा है, 3p ऑर्बिटल, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है टेट्रा मिथाइल सिलेन के अंदर सिलिकॉन की। तो सी जो ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी के जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। तो आप प्रैक्टिस करो, अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।